सो गाइज, ये है वो बॉक्स जो मैंने sharesafe.com से मंगाया है और इसके अंदर है MI Band 4 का शैप। तो ये डिलीवरी कोरिया से डिलीवर हुआ है और sharesafe के हिसाब से ये चाइना से आया है और यहाँ पे शायद कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी लगी हुई है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या है। तो सबसे पहले तो मुझे ये वाले पेपर को देखने का मन है क्योंकि ये कुछ एक्स्ट्रा है जो कि यहाँ पर लगा हुआ है। नॉर्मली बॉक्सेस के अंदर इस तरह का कोई लेबल नहीं रहता है। आई थिंक कि अगर ये सच में चाइना से आया है तो ये कस्टम क्लियरेंस होना चाहिए। ओके, और शायद ये वही है। सो गाइस, देखने में तो ऐसा लगता है कि ये कस्टम क्लियर होके ही आया है। सो इस डॉक्यूमेंट को अब हम साइड पे रख देते हैं और अब मुझे बिलीव हो गया है कि ये चाइना से ही आया है, नहीं तो मुझे लग रहा था कि यहीं किसी हब से इन लोगों ने भेज दिया होगा। और मैंने इसको ऑर्डर जब किया था उसके बाद ऑलमोस्ट 12 दिन लगे हैं इसको डिलीवर होने में। गाइस, अगर आपको MI Band 3 या 4 का शैप चाहिए तो आप MI.com से ख़रीद सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप MI.com पे जब चेक करेंगे तो आपको शैप अवेलेबल नहीं दिखाएगा, कभी भी नहीं रहता है। तो अगर आपको MI.com से नहीं मिलता है तो आप sharesafe से मंगा सकते हैं। तो बॉक्स के अंदर ये 3 बलून है, इनको साइड में रख देते हैं। उसके बाद हमारे पास ये, और ये है वाइन रेड कलर का, बिकॉज मैं ब्लैक ऑलरेडी यूज़ कर ही चुका हूँ और मेरा ब्लैक वाला जो बैंड है वो टूट गया है, तो इसलिए मैंने इसको मंगाया है। मैंने एक बार पहले अमेज़ोन से भी ऑर्डर किया था बट उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। गाइस, इसकी पैकिंग बहुत ही अच्छी लग रही है और यहाँ पे लिखा है 3/4। एक्चुअली ये 3 और 4 दोनों के साथ ही कंपैटिबल है। आपको साइट पे ये MI Band 4 का शैप बोल के मिलेगा बट ये दोनों के साथ कंपैटिबल है और मेरे पास MI Band 3 है। इसके अंदर देख लेते हैं और बॉक्स में क्या है। तो बॉक्स में यही वाला डॉक्यूमेंट एक और है, नहीं ये बिल है। यहाँ पे आप sharesafe का लोगो देख सकते हैं। ओके, और गाइस ये मुझे पड़ा है 283 रुपीज़ का। ये अमाउंट इन लोगों ने शायद डॉलर में लिखा है, हाँ ये US डॉलर्स में लिखा हुआ है 2.81। मुझे ये 283 रुपीज़ पे करने पड़े हैं इंक्लूडिंग शिपिंग। अगर आप MI.com से भी ख़रीदते हैं तो आपको 300 रुपये पड़ ही जाते हैं बट वहाँ अवेलेबल नहीं थे इसलिए मैंने यहाँ से मंगाए हैं। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर कटआउट दिया हुआ है। सो गाइस, इसकी जो पैकिंग है वो काफ़ी सही है और बहुत ज़्यादा खोलने के बाद तब मैं अंदर तक पहुंच पाया हूँ। और ये है इसका ओरिजिनल कलर, ये काफ़ी अच्छा है। दोस्तों, मैंने जो अमेज़ॉन से मंगाया था तो उसका ये जो बटन था वो प्लास्टिक का था, जबकि आप जब MI.com से ख़रीदते हैं या sharesafe से ख़रीदते हैं तो ये लोहे का बटन होता है। तो मैंने इसलिए भी वो अमेज़ॉन वाले को वापस कर दिया क्योंकि उसके स्ट्रैप की भी क्वालिटी अच्छी नहीं थी और बटन तो बिल्कुल ही बेकार था, प्लास्टिक का था और ये अभी तो काफ़ी टाइट है। तो चलिए दोस्तों, इसको मैं एक बार अपने ट्रैकर पे लगा देता हूँ और फिर देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है। सो गाइस, ये है मेरा पुराने वाला बैंड। अगर साइड बाय साइड रखे तो आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट वाली डॉट थी ये वहाँ से टूट गया है और वैसे मैंने फर्स्ट वाली डॉट कभी यूज़ भी नहीं की थी बट फिर भी ये वहीं से टूट गया है। उसके बाद ये वाले दोनों जो हैं ये भी टूट गए हैं, मतलब ये जो लूप होता है जिसमें ये फंसता है वो भी टूट गया है। मैंने इसके बटन को बाहर निकाला था वो अमेज़ॉन वाले में लगाने के लिए। गाइस, अगर आप इसको फेंक रहे हैं पुराने वाले को तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये लोहे का बटन निकाल लें, सो दैट अगर बाद में आपको बाहर से भी ऑर्डर करना पड़ा तो आप ये वाला लोहे का बटन यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक के बटन जो आपको मार्केट में मिलते हैं। तो चलिए इसको चेंज कर लेते हैं। सो गाइस, जब मैं ट्रैकर को लगा था तो नोटिस करने वाली एक बात जो मुझे नज़र आई है कि अगर आप इस जगह पे देखें जहाँ पे ट्रैकर आपका अटकेगा तो यहाँ पे जब आप ये मैरून वाले में देखते हैं वाइन रेड में,
तो इसमें क्या है कि यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल यूज़ किया गया है बैंड के ऊपर, जिससे कि आपका जो वॉच है या ट्रैकर है वो इसमें फंसेगा। और वहीं अगर आप ब्लैक वाले में जाएं तो यहाँ पे वैसा कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल नहीं है, जबकि वो सेम मटेरियल मतलब बैंड जो है, बैंड को ही यूज़ किया गया है। इसी तरीके से मोल्ड किया गया है कि यहाँ पे ट्रैकर के लिए लूप बन जाए। तो ये मुझे एक अलग सी चीज़ देखने को मिली है। अगर ऐसा हुआ कि यहीं से ये अलग हो जाए, देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको नज़र आएगा वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल, हो सकता है कि ये बैंड को बाद में छोड़ दे। एनी वेज देखते हैं, यूज़ करके देखते हैं, यूज़ करने से पहले कोई जजमेंट देना ठीक नहीं है। सो चलिए इसको ट्रैकर में लगा। सो गाइस ये हमारा ट्रैकर लग चुका है और देख सकते हैं आप कि ये जो ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन है, रेड वाइन रेड का, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये मैंने इसको भी हाथ पे डाल लिया है। इसके शेप की क्वालिटी दोस्तों बहुत ही अच्छी है, जैसी amazon.com से आए हुए बैंड की नई थी। काफ़ी प्रीमियम और सॉफ्ट मटेरियल, जैसे पुराने वाला बैंड था ये भी वैसा ही है। सो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इससे लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।